क्योंकि वो लंबी चोरी केवल भाषण नहीं है और जनता को ठगने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, मैं हूँ प्राची सिंह आपके साथ। कुवैत में भीषण अग्निकांड जो हुआ, जिसमें अग्निकांड में जहां 40 भारतीय लोगों की मौत हो जाती है, 40 भारतीय मजदूर की मौत हो जाती है, वहीं 50 मजदूर वहां घायल हो जाते हैं, उसके बाद सियासत गर्मा जाती है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार की बात करें तो बिहार के लोग थे और भारत के लोग थे वहां पे मजदूरी करने जाते, लेकिन बिहार में अगर ऐसा कल कारखाना होता तो लोग बिहार से बाहर नहीं जाते, बिहार में ही लोग रहते, जिसके लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भाई वीरेंद्र, जी हाँ भाई वीरेंद्र का कहना है कि अगर बिहार में ऐसा कल कारखाना होता तो लोग बाहर क्यों मजदूरी करने जाते। जिस तरीके से उनके परिवारजनों के साथ राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ रहेगा और साथ ही साथ उनके लिए जिस तरीके से कोई भी अगर काम हो उनके लिए उनके परिवार के साथ मौजूद रहेगा। जरा सुनिए कि भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में उनके साथ हम और हमारी पार्टी और महागठबंधन खड़ी है। जिस तरह से लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, इस वजह से विदेश का में कमाने के लिए जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाने का काम करते हैं। कुवैत में जो घटना घटी है यह बहुत ही दर्दनाक घटना है और मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए। और मोदी जी को लंबी चोरी केवल भाषण नहीं है और जनता को ठगने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए। अगर काम देश में मिलता तो शायद वो विदेश में कमाने नहीं जाते, ये नाकामी है केंद्र की सरकार की। तो आपने साफ तौर पर सुना भाई वीरेंद्र का कहना है कि ये लोग डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार में और देश में कल कारखाना सिर्फ गुजरात में है, और वही बात करें बिहार में तो बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है, जिसके वजह से बिहार के लोगों को मजदूरी करने के लिए कुवैत जाना पड़े, लेकिन कुवैत में भीषण अग्निकांड की चपेट में आ जाते हैं और जहां 40 लोगों की मौत हो जाती है और वहीं 50 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें बता दें कि बिहार के लोगों के लिए जिस तरीके से घटना हुई है, लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि बिहार से लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, लेकिन उन्हें कई चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार कब तक देखेगी, आखिर सरकार कब सुनेगी बिहार में? लेकिन उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल तत्पर है और हमेशा से रहेगी, और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो भी राशि दी जाएगी वो सबके सामने होगी और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उन्हें राशि मुहैया कराई जाएगी, उनके परिवार के समक्ष रहेगी, परिवार के साथ रहेगी। जिस तरीके से विदेश मंत्रालय वहां पर कहना है विदेश मंत्रालय का भी कि हम लोग उनके साथ है, और साथ ही साथ जिस तरीके से 40 लोगों की मौत हुई है और जांच पड़ताल होगी, आखिर क्या कुछ कारण था। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज़।